कैथल में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश की टांग पर गोली लग गई। आपको बता दें कि इस बदमाश ने 29 जनवरी को CSC सेंटर संचालक पर गोली चलाई थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी फरल गांव में किसी काम से आया हुआ है और पुंडरी के रास्ते करनाल जा रहा है। नाकेबंदी के दौरान जैसे ही पुलिस ने बदमाश को रोकने की कोशिश की तो बदमाश ने पुलिस पर 3 राउंड फायर कर दिए। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चला दी। फिलहाल बदमाश को घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। एक हमारे पे यहाँ पे 29 जनवरी को CHC सेंटर पे एक गोली चली थी, जो कि CHC सेंटर संचालक राकेश कुमार के ऊपर लूट की नीयत से एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था, जिसमें FIR हमारी 394, 397 और आर्म्स एक्ट की एक FIR रजिस्टर थी। तो उसमें हमारी जो SDU की टीम है, पूरी टीम काफ़ी टाइम से उसके पीछे लगी हुई थी। पहले हमारे पास अननोन के अगेंस्ट FIR रजिस्टर हुई थी, तो टीम ने काफ़ी मेहनत करते हुए पर्सन को आइडेंटिफाई कर लिया था। अमित नाम का एक लड़का था जो कि करनाल का रहने वाला था, जो कि हमारा अक्यूज था उसमें। तो उसके लिए टीम काफ़ी टाइम से उसका पीछा कर रही थी। उसके अलावा इनके पास गुप्त सोर्सेज से भी इंफॉर्मेशन आ रही थी। तो कल रात में इनके पास, जो हमारी टीम है उनके पास गुप्त इन्फॉर्मेशन आई थी कि जो अक्यूज्ड है अमित पुत्र गौतम, वासी पाड़ा, जिला करनाल है। तो वो फरल के आसपास, पुंडरी में फरल के आसपास आया हुआ था और उसका वापस करनाल उनका था कि वो पुंडरी होते हुए वापस करनाल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारी टीम को जैसे ही मिली, तो हमारी SDU की टीम है, रात में इन्होंने वहाँ पे नाकाबंदी अपनी की। तो जैसे ही जो अक्यूज्ड है वो सिरसा ब्रांच, जो नहर पुल है वहाँ पे आया, तो इन्होंने बाइक के ऊपर था, तो इन्होंने काबू करने की कोशिश की। उसने भी फायरिंग इनके ऊपर कर दी। तीन राउंड हमारी टीम पे फायर किए। हमारी टीम ने भी जो जवाबी कार्रवाई करते हुए उसके ऊपर फायर किया, तो वो जो है उसके बाई टांग पे गोली लगी है और उसको अभी फिलहाल के लिए उसको कल्पना चावला हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। जैसे ही वो ठीक होगा उसके हिसाब से उसकी अरेस्ट डाली जाएगी। उसके अभी तक हमारे पास मौके से जो उसकी ने बाइक की थी, बिना नंबर प्लेट की एक बाइक थी स्प्लेंडर, वो रिकवर की है। उसके अलावा उससे एक देसी पिस्टल है 32 बोर, वो रिकवर किया गया है। उसके अलावा एक देसी कट्टा है 315 बोर का। उसके अलावा तीन मौके से जो खाली खोल थे वो बरामद किए उसके गए हैं। उसके अलावा 4 रोंद है वो उससे बरामद हुए हैं, वहाँ से मौके से बरामद हुए। वारदात करने जब आया शक्तिनगर में अकेला ही था उस वक्त? उस टाइम पे ही अकेला था, बाइक पे सिंगल पर्सन था जिसने हेलमेट लगा रखा था। तो उसको हमने ट्रेल करते हुए उसका पूरा रूट बनाया, उसके बाद उसको आइडेंटिफाई किया था। रात में अकेला था। आपको बता दें कि इस आरोपी पर 40 से ज्यादा मुकदमे, लूट, डकैती, हत्या के प्रयास, स्नैचिंग और चोरी के दर्ज है। साथ ही आरोपी को पानीपत और अंबाला की अदालत से स्नैचिंग की वारदात में सजा भी मिल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।